तो जब भी उनके सामने क्वेश्चन रखे जाते हैं किसी क्रिमिनल के सामने और वो क्वेश्चन सच होते हैं तो परिवर्तन उतने बड़े नहीं होते, लेकिन अगर वो झूठ बोला जा रहा है तो क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारा दिमाग हम कहता है कि ये झूठ है और हम डेलिबरेटली उसको सच प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, बदले में जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से जो बायोलॉजिकल मेजर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसमें हमारे आँखों की पुतलियों की एक्टिविटी होती है ये परिवर्तित होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है हमारा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या का मामला इन दिनों पूरे भारत में सुर्खियों में है। इस मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब उसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट का निर्णय लिया गया है। आमतौर पर इसे लाई डिटेक्टर कहा जाता है, लेकिन क्या वाकई पॉलीग्राफ मशीन झूठ पकड़ सकती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम आपको इस टेस्ट के पीछे छिपे विज्ञान और उसकी प्रक्रिया से अवगत कराएंगे, जिसे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर संजय कुमार ने समझाया है। देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट जो है ये एक फॉरेंसिक साइंस में यूज किया जाने वाला टूल है, जिसमें कि जो क्रिमिनल होता है वो किसी भी जब कभी भी झूठ बोलना होता है उसको झूठ बोलने झूठ पकड़ने की मशीन भी कहते हैं। तो ऐसे केसेस में हम पॉलीग्राफ टेस्ट का यूज़ करके ये पता कर पाते हैं कि जो क्रिमिनल बोल रहा है वो कितना सच है और कितना झूठ है। क्या पूरी प्रक्रिया होती है पॉलीग्राफ को, किस तरीके से किया जाता है? पॉलीग्राफ टेस्ट जो है ये एक इस तरीके का टूल है कि ये हमारे जो क्रिमिनल होते हैं उनके शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं और उनके जो व्यवहार होते हैं उनको ऑब्जर्व करा जाता है, उनको मेजर करा जाता है, उसके आधार पर ये समझा जाता है कि जो उसने रिस्पॉन्सेज दिए, जो जवाब दिए वो सच है या झूठ है। क्योंकि हम लोगों के का जो ब्रेन है वो दो तरीके से काम करता है या दो तरीके के रिस्पॉन्स करने के लिए हमें हमारे शरीर को प्रेरित करता है। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसका काम होता है जब कभी भी हम किसी भी जरा से भी तनाव की स्थिति में आते हैं तो हमारे शरीर के जो बायोलॉजिकल मेजर्स है जिसमें हार्ट बीट है, रेस्पिरेशन है, हमारा स्किन गैल्वेनिक रिस्पॉन्सेस ये होते हैं, ये इनमें परिवर्तन बड़ी तेज़ी से आते हैं और जैसे ही तनाव वाली स्थिति से हम बाहर निकलते हैं फिर हमारा शरीर नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे ही जब कभी भी व्यक्ति नॉर्मल कंडीशन में होता है तो हर एक बायोलॉजिकल मेजर का अपना एक सेट पॉइंट है, वो उसी सेट पॉइंट पे ही रहता है और जैसे ही तनाव की कोई स्थिति आती है वैसे ही वो सेट पॉइंट से ऊपर या नीचे चले जाते हैं। यही चीज़ पॉलीग्राफ टेस्ट में होती है जो कि इसी परिवर्तन को एक्सपर्ट देखता है। सामने क्वेश्चन रखे जाते हैं किसी क्रिमिनल के सामने और वो क्वेश्चन सच होते हैं तो परिवर्तन उतने बड़े नहीं होते, लेकिन अगर वो झूठ बोला जा रहा है तो क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारा दिमाग हम कहता है कि ये झूठ है और हम डेलिबरेटली उसको सच प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, बदले में जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से जो बायोलॉजिकल मेजर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसमें हमारे आँखों की पुतलियों की एक्टिविटी होती है ये परिवर्तित होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, हमारा स्किन गैल्वेनिक रिस्पॉन्सेज होते हैं ये हमारे बढ़ जाते हैं, इसके अलावा पे डाइजेस्टिव जो प्रक्रिया होती है हमारी ये कम हो जाती है, इस तरीके के चेंजेस होते हैं ये देखने को मिलते हैं और इन्हीं की रीडिंग कर ली जाती है। और चूँकि इस समय हमारे पास में मॉडर्न टूल्स में सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सॉफ्टवेयर्स इन चेंजेस को और बेहतर तरीके से ग्राफ के रूप में परिवर्तित करके दिखा पाते हैं कि जो सेट पॉइंट है उसे उसकी जो चेंज हुआ है वो कितने ज़्यादा मात्रा में चेंज हुआ है, कितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सच है या झूठ है। क्योंकि ये टेस्ट पूरी तरीके से ये नहीं बता सकते कि सच ही है या झूठ ही है, एक अंदाज़ा देते हैं। तो इन टेस्ट का यूज़ करके हम फॉरेंसिक साइंस में या फिर कहना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशंस में हम काफ़ी हद तक अंदाजा लगा पाते हैं कि क्राइम क्रिमिनल के द्वारा बोली जाने वाली जो बात है वो तो कितनी सच है कितनी झूठ। आमतौर पे इनका उपयोग नहीं करा जा पाता, ये तो जब कभी भी कोर्ट का कोई आदेश होता है उस आदेश के बाद ही, और कोर्ट डिसाइड करता है कि उसको उनको पॉलीग्राफ करना है। एक और संबंधित टेस्ट नाको टेस्ट होता है जिसमें कि कुछ मेडिसिन का भी यूज़ करा जाता है उसी प्रक्रिया को देखने के लिए, तो वो दूसरा टूल है। तो ये कोर्ट डिसाइड करता है कि क्रिमिनल के ऊपर कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाना है और अकॉर्डिंगली जो रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुला करके उन टेस्ट को अप्लाई कराया जाता है और उनके रिजल्ट से लिए जाते हैं।
क्वेश्चंस में इस तरीके की कोई भी प्रक्रियाएं जब होती हैं तो उनमें एथिकली ये समझा जाता है कि आप जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के संपर्क में जाते हैं और उससे किसी प्रकार की आपको जानकारी लेनी है, साइकोलॉजी में भी और बाकी जितने भी विज्ञान के विषय हैं, स्पेशली जो मेडिकल साइंस के विषय हैं, उनमें ये एथिकल गाइडलाइन है कि आप उनकी परमिशन जरूर लेते हैं। तो नार्को टेस्ट हो या फिर ये पॉलीग्राफ टेस्ट हो, दोनों में ही जो क्रिमिनल होता है या व्यक्ति होता है जिसको जिस पर टेस्ट किया जाना होता है उसको सारी बात बताई जाती है, पूरा चीज़ एक्सप्लेन करी जाती है। तो एक्सप्लेन करने के बाद में उनकी परमिशन, ड्यू परमिशन ली जाती है, उनके साथ इस तरीके किया जाएगा, ये उनकी इस तरीके की जानकारियाँ ली जाएंगी, तो परमिशन मिल जाती है तभी उसको किया जाता है, तभी उसको किया जाना चाहिए एथिकली। और ऐसा कोर्ट का भी शायद आदेश होता होगा, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये एथिक्स का। लोकल 18 के लिए मेरठ से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।